हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा शेयर लेके आया हूँ। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और इस समय बूम पे जा रहा है, और दिवाली के लिए एक अच्छा गिफ्ट है। लॉन्ग टर्म्स कह सकते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। वी आर टॉकिंग अबाउट TVS मोटर्स, जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में भी एंटर कर रहा है, जैसे कि आपको पता है। तो आइए इसके बारे में कुछ देखते हैं। TVS मोटर्स कंपनी लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं, जो टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स और उसके पार्ट्स एंड एक्सेसरीज की बनाता है। कुछ न्यूज़ पे नज़र डालें अगर, तो ये आप देख सकते हैं, TVS टू फॉर्म अ न्यू सब्सिडरी टू अंडरटेक इट्स EV बिजनेस, मींस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बिजनेस। TVS मोटर स्टॉक जूम्स आफ्टर क्वार्टर टू पैट अप टू 34%। तो आप लोग देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग शोज बाय TVS मोटर इन क्वार्टर टू, बाय फॉर लॉन्ग टर्म। ये फ्राइडे की न्यूज़ है लेटेस्ट। और ये देखिए एक और, TVS मोटर टू सेट अप अ न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी, ऐड न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो आप लोग देख सकते हैं कि सब कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहा है इसके बारे में। कंपनी के फंडामेंटल, मार्केट कैप 29,000 करोड़ की है, फेस वैल्यू 1 रुपये की है, जबकि शेयर प्राइस 620 पे अभी कर रहा है। ये देखिए इसका ग्राफ एक साल का, जो कि अपवर्ड में ही है। कमिंग टू प्रोज एंड कॉन्स, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर और डिविडेंड भी बहुत ही अच्छे से देता हुआ आ रहा है। कॉन्स इज स्टॉक इज ट्रेडिंग 7.33 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। प्रमोटर्स होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है। इसके कंपैरिजन में देखें तो एशर मोटर है और हीरो मोटोकॉप है, दैट्स एक्चुअली ग्रेट। एंड कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो देखिए सब कुछ प्लस में। लास्ट ईयर 17% रिटर्न ऑन इक्विटी है, 10 ईयर्स में 22% है, 5 ईयर्स में 22%, 3 ईयर में 20% है। अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। PNL की बात करें तो नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए 594 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। कमिंग टू क्वार्टरली रिजल्ट्स, जो नेट प्रॉफिट है डेट इज़ ओवरऑल अगर देखें तो 242 करोड़ का है, सितंबर 2021 में बुक किया है, प्रीवियसली जनवरी से बहुत अच्छा है। बैलेंस शीट की बात करें सो एवरीथिंग लुक्स वेरी गुड। बोरोइंग्स 9838 की है, रिजर्व 3968 CR का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 52% प्रमोटर्स के पास है, 25% DII के पास है, पब्लिक के पास सिर्फ 9.82% है। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कितना पोटेंशियल है। लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप दिवाली के लिए स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तब भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है ये। अगर हम DIIs की बात करें तो ICICI, LIC इंडिया, रिलायंस कैपिटल, मीरा एसेट, वेस्ट ब्रिज, फ्रैंकलिन, इन सब ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, न्यूज़ भी बहुत ही पॉजिटिव है इसकी, और स्टॉक ने भी अच्छा रिटर्न दिया है विद डिविडेंड। सो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप शेयर्स खरीद सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। स्विंग ट्रेडिंग भी अच्छी है, और सेकेंडरी ऑप्शन अगर खेलना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप अच्छे इन्वेस्टर हैं तो यू कैन बाय इन द मनी कॉल और एट द मनी कॉल। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं एंड दे आर स्मॉल इन्वेस्टर्स, के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आउट ऑफ द मनी अगर कर रहे हैं तो आप 770-750 का कॉल भी बाय कर सकते हैं फॉर जस्ट फॉर 2 डेज, और जैसे ही वो 40-50 पैसा ऊपर आता है यू कैन सेल आउट गाइस। तो जैसे कि 770 का कॉल जो है अभी 60 पैसे पे चल रहा है और 750 का 70 पैसे पे चल रहा है, तो अगर वो 40 पैसा भी ऊपर जाता है तो विद इन टू और थ्री डेज आप एग्जिट कर सकते हैं, यू कैन बुक अ गुड प्रॉफिट। 1400 का लॉट है, कुछ ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है दोस्तों। तो ये रही छोटे इन्वेस्टर्स की बात, आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर पैसा ज़्यादा है तो आप एट द मनी खरीद के और उसमें भी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी तरह से मैं आपके लिए लाता रहूँगा शेयर मार्केट की खबरें और स्टॉक्स सेलेक्शंस और उनकी फंडामेंटल एनालिसिस। तब तक के लिए बाय, शब खैर एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस। थैंक यू।